हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है समीर। आज हम बात करेंगे कि 15 एम्पियर का बोर्ड, एक सॉकेट और एक स्विच को हम किस तरह से वायरिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर मेरा आपने ये वाला वीडियो नहीं दिखाया है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मैं दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फ्रेंड्स, मेरे पास ये एंकर का बोर्ड है जो कि 15 एम्पियर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फेज है जो कि ये सिंगल स्विच सिंगल सॉकेट बोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेज दिया हुआ है, यानी इसको एल से इंडिकेट किया गया है। ये बोर्ड जो है एंकर का है और कहाँ का बना हुआ है ये भी आपको हम दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है मेड इन इंडिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ बॉक्स 3-in-1 है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए इसको खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि कुछ लिखा हुआ है। चलिए आपको ये लिखा हुआ दोनों में स्विच और सॉकेट में दोनों में कुछ लिखा हुआ है। चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 20 एम्पियर 240 वोल्ट। यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है 20 एम्पियर 240 वोल्ट, यानी कि कि ये जो है 20 एम्पियर तक का लोड उठा सकता है। तो चलिए आज हम अभी हम इसका वायरिंग करेंगे, देखते हैं किस तरह से का। तो चलिए इसका वायरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो हम एक कनेक्शन या ये न्यूट्रल से इस न्यूट्रल में देंगे, सेकंड कनेक्शन जो है ये फेज से ये फेज में देंगे। ये दोनों में जो है हम मेन लाइन देंगे। ये दोनों को हम कॉमन बनाएंगे जो कि स्विच से कनेक्शन होगा। इसमें जो हम बॉडी ग्राउंड ग्राउंड देंगे। तो चलिए हम पल दे देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कनेक्शन कर लिया है, जो दोनों मीटर को हमने एक साथ जोड़ दिया है। अब ये फेज और ये फेज, ये दोनों को फेज हम बनाएंगे और इसको बॉडी ग्राउंड बनाएंगे। तो हम बॉडी ग्राउंड नहीं देंगे, दोनों फेज देते हैं, एक मीटर देंगे एक फेज देंगे। तो चलिए आपको देखकर हम दिखाते हैं। आप देखिए खोल लेते हैं इसको दोनों बोर्ड। तो उसके बाद जो है हम इसको यहाँ से कनेक्शन लेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये फेज का दोनों कनेक्शन कर लिया। मेरे पास ब्लैक वायर नहीं था तो हम ये क्या कहते हैं येलो वाला ये वायर डाल लिए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन खोलने के बाद ये पता चल जाता है। तो ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल दोनों एक साथ में है, आइए फेज आइए फेज, यानी एक ट्विटर बन जाएगा और एक फेज बन जाएगा। तो ये दोनों एक साथ दिए हैं। अब इसको जो हम सेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका सेट करने का जो तरीका, ये वाला जो एंकर का जो ये लिखा हुआ है, ये वाला की, तो यहाँ से जो है हम वायर निकालेंगे, क्योंकि ये सिंबल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वायर का सिंबल भी दिया हुआ है। तो इस साइड से हम वायर निकल लेंगे। तो इसको लगाने का सही तरीका जो है ऐसे होगा, से ऐसे करके वायर ले लेंगे यहाँ से। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस साइड से ही निकाला है। यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर लिखा हुआ है वायर का सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम
इस साइड से ही निकालना है। तब इसको हम पैक कर देंगे और पैक करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि सही कनेक्शन हुआ है कि नहीं। उससे पहले हम तो हल्का हल्का वो नॉट लगा कर चेक कर लेते हैं या नहीं तो उससे चेक करेंगे। एक मिनट फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ पर लाइट देकर देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि लाइट आता है कि नहीं। यहाँ पर देख नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए लाइट आ रहा है। यहाँ पर देखिए कि लाइट आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए कि सक्सेसफुली मेरा हो चुका है। तो चलिए ये मेरा सक्सेस हो चुका है। तो अब इसको हम बंद कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप जो हम इसको फुल टाइट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगा होगा। इससे आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।